अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप दुबई में रहते हो, दुबई के अंतरिन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को पूरा बिना स्क्रिप्ट को पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे दुबई के रिलेटेड हर एक जानकारी न्यूज वगैरह आपको मिलती रहेगी। दोस्तों वहाँ पे दो कंट्रियों ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया, लगभग 16 देशों के फ्लाइटों को प्रतिबंध लगाया जा सकता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। तो ये फैसला लिया गया है सऊदी अरेबिया के तरफ से और दुबई के तरफ से। तो दोस्तों वो रिस्ट्रिक्शन में क्या क्या होंगी वो पूरा डिटेल में आपको बता देता हूं, ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो सऊदी हुकूमत की तरफ से दोस्तों ये अनाउंसमेंट किया गया है कि लगभग 16 देशों के लिए फ्लाइटों को बंद किया जा सकता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाई जा सकती है, पर इसमें से उसमें भी कुछ नियम होंगे। तो साथियों ये रिस्ट्रिक्शन लगाना, पाबंदी लगाने का दो रीजन है, एक मॉन्की पॉक्स जो बीमारी आई है, वायरस आई उसके वजह से, और दूसरा कोविड-19 केस वहां पे दोनों देशों में कुछ दिनों से ज्यादा बढ़ रहे, इसी को लेकर रिस्ट्रिक्शन पाबंदियां लगाई जाएंगी। तो वो कौन कौन से देश है मैं आपको एक एक करके नाम मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको इसकी जानकारी हो सके। तो दोस्तों सऊदी अरेबिया और दुबई गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि लेबनान, सीरिया, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, यमन, सोमालिया, इथोपिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लीबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, आर्मेनिया, बोलेरस और वेनेजुएला, तो ये इन सभी 16 कंट्रियों के लिए दोस्तों फ्लाइटों को बंद कर की जा सकती है या फिर रिस्ट्रिक्शन वगैरह जो है वो लगाई जा सकती है सऊदी अरेबिया और दुबई गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है। तो ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, इसलिए मैंने वीडियो अभी दोपहर के टाइम में बनाया हूं, अभी दोपहर के टाइम में वीडियो में डालता नहीं हूं। तो ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें दोस्तों, साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।